नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी बाउंड्री मानी जाती है जो मियामी, बर्म्यूडा एंड प्यूर्टो रिको से मिलकर बनी है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्या आपने कभी समुद्र में रहने वाले किसी खौफनाक राक्षस की कहानी सुनी है? लेकिन ये राक्षस किसी दैत्याकार स्क्वीड जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ट्रायंगल है। देखा जाए तो ये मिस्टीरियस ट्रायंगल किसी मछली के शरीर का बना हुआ नहीं है, बल्कि नक्शों पर खींची गई इमेजिनरी धुंधली रेखाओं से मिलकर बना है। हम बात कर रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की। ये एक ऐसा अर्पन लीजेंड बना जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा कि वहाँ कुछ तो ऐसा पैरानॉर्मल जरूर है जो आपके वहाँ एंटर होते ही आपके प्लेन या शिप का बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट तोड़ देता है और आपका शिप मिस्टीरियस तरीके से अचानक कहीं गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके ना के बराबर चांसेस हैं कि आप वहां से कभी वापस आएंगे। अगर वहां से कुछ वापस आता है तो वो है कई सवाल और अनसुलझी गुत्थियां जो इसे और भी गहरा देती हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है बर्म्यूडा ट्रायंगल और कैसे ये अचानक से इतना पॉपुलर हो गया, क्या है इससे जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स, और ये सच में क्या एग्जिस्ट करता भी है या सिर्फ एक कहानी है। आइए जानते हैं। Vast, ominous, mythical. The Bermuda Triangle. Theories about the missing plane are going viral. It's possible it was hijacked. We don't know. The Bermuda Triangle is that kind of mystery. साल था 1950, सितंबर की सुबह। मियामी हेरल्ड अखबार के एडवर्ड वैन विंकल जोन्स नाम के जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा। उनके इस आर्टिकल ने अचानक अमेरिकी अखबारों में जंगल की आग की तरह सुर्खियां बटोर ली। दरअसल इस लेख में उन्होंने बर्म्यूडा क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के रहस्य की ओर इशारा किया था और वहां के एसोसिएट प्रेस ने उनके इस लेख को सब जगह पहुंचाने में मदद की थी। ये वो पहली बार था जब बर्म्यूडा ट्रायंगल में चीजों के गायब होने की अजीब कहानियां लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक खौफनाक कहानी का जिक्र लेखक एलन डब्ल्यू एकर्ट की किताबों में देखने को मिलता है। उन्होंने लिखा है कि कैसे एक जहाज का कैप्टन खो गया था और उसने रेडियो पर कहा, हमें कोई दिशा समझ नहीं आ रही, सब कुछ गड़बड़ है, अजीब है, समुद्र भी हमेशा जैसा नहीं दिख रहा। ये कहानी पढ़कर लोगों के बीच इस बारे में सनसनी फैल गई। समय के साथ बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी ज्यादा फेमस होती चली गई। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम का एक आर्टिकल लिखकर इस मिस्ट्री को एक बड़ा जंप दिया। उसमें उन्होंने एक फ्लाइट 19 का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट 19 और दूसरे जहाजों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 1840 के दशक से चल रहा एक बड़ा रहस्य है। तो क्या थी ये फ्लाइट 19 की घटना? अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर प्लेन ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की लीडरशिप में 14 लोगों के साथ बर्म्यूडा ट्रायंगल से उड़ान भरी थी, लेकिन ये सभी लोग कभी वापस नहीं आए। फिर उनको ढूंढने और रेस्क्यू करने के लिए 13 लोगों के साथ एक पीबीएम मरीनर हवाई जहाज भी भेजा गया, लेकिन बाद में वो भी बर्म्यूडा में कहीं लापता हो गए। हालांकि फ्लोरिडा के कोस्ट पे तैनात एक टैंकर ने हवा में विस्फोट होने की रिपोर्ट की थी, तो हो सकता है कि वो वहां ब्लास्ट हो गया, लेकिन अभी तक नहीं पता कि इन प्लेन्स के साथ आखिर हुआ क्या। तो एक सवाल ये भी है कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल या इमेजिनरी लाइन आई कहां से? तो बर्म्यूडा ट्रायंगल को नक्शे पर बनाने वाले का नाम सेंट था, जिसने की सबसे पहले से बनाया था। उन्होंने कहा कि ये फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है, लेकिन फिर गैडिस नाम के राइटर ने इसके बारे में लिखा कि देखो ये जो ट्रायंगल है वो मियामी, सैन जुआना और बर्म्यूडा पर होना चाहिए। अब लोग इन थियोरीज पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि जल्द ही इसमें कई सारे राइटर्स जुड़ते चले गए और सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो इसे छोटा बनाया, कुछ ने इसे बड़ा बनाया और कुछ ने तो इसे आयरलैंड तक भी फैला दिया। इतने सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से ये कहना मुश्किल है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक्चुअली कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, और ये भी एक वजह है कि ये इतना ज्यादा रहस्यमय बनता चला गया। तो आप सोच रहे होंगे कि बर्म्यूडा पे मिसिंग हुए शिप्स की कहानियां तो अभी तक आई ही नहीं, तो चलिए बात करते हैं उन कहानियों की। तो हुआ यूं कि HMS अटलांटा, जिसे पहले HMS जूनो कहा जाता था, ये ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक जहाज था जिसे युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि नौसेना को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1880 में ये जहाज बर्म्यूडा से इंग्लैंड जाने के लिए निकला था, लेकिन ये जहाज और उस पर सवार सभी लोग रास्ते में कहीं गुम हो गए।
हैरानी की बात तो ये है कि जहाज से कभी कोई मदद की पुकार आई ही नहीं, जहाज का कोई मलबा तक नहीं मिला। जहाज के गुम होने का कारण आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद जहाज किसी तूफान में फंस गया होगा, क्योंकि वैसे भी बर्मुडा ट्रायंगल अचानक आने वाले भयानक तूफानों के लिए जाना जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाज चलाने में कोई गलती हो गई हो, या जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से जहाज को चलाना मुश्किल हो गया। अनफॉर्चुनेटली सबूत ना होने के कारण ये बता पाना मुश्किल है कि HMS अटलांटा के साथ असल में बर्म्यूडा में क्या हुआ था। इस जहाज का गुम होना बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े कई रहस्यों में से एक बन गया। हिस्ट्री में एक जगह रेफरेंस मिलता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। उन्होंने बताया कि जब वो अपने शिप में समुद्र में आगे जा रहे थे, तब उनको इस एरिया में आकाश में अजीब रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही उनको बिना हवा के चलते बड़ी लहरें उठती दिखाई दी थी। कोलंबस ने एक और रहस्यमय बात का जिक्र किया था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे, तब उनका कंपास गलत डायरेक्शन दे रहा था। ऐसा ही किस्सा मैरी सेलेट्स नाम के शिप का भी है। मैरी सेलेट्स एक व्यापारी जहाज था जो 1872 में अटलांटिक महासागर में अकेला तैरता हुआ मिला था। जहाज पर सवार कोई भी नहीं था, सामान और कैप्टन की चीजें भी जहाज पर नहीं थी। कैप्टन और क्रू के गायब होने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद समुद्र में तूफान आया होगा, और कुछ सोचते हैं कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी होगी। तो कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि जहाज पे लुटेरों ने हमला कर दिया होगा, पर जहाज का सामान तो सुरक्षित था। आज भी हिस्टोरियंस नहीं समझ पाए हैं कि आखिर उस रोज हुआ क्या था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज में सफर कर रहे थे। USS साइक्लोप्स अपने इस आखिरी सफर में लगभग 11,000 टन मैंगनीज बर्म्यूडा ट्रायंगल की जगह से ले जा रहा था, जो कि एक ही इंजन के साथ चल रहा था। बर्म्यूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये इतना बड़ा जहाज अचानक कहां खो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अच्छा था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया ये कोई नहीं जान पाया। इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर्स का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अमेरिका के इतिहास में ये बिना लड़ाई किए हुए सबसे बड़े लॉस में से एक है। इसके साथ ही बाद में साइक्लोप्स जैसे ही कुछ और शिप्स भी हुए जो बर्म्यूडा में गायब हो गए, जिनका आज तक कहीं पता नहीं लग पाया। ये थे बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ अनसुलझे किस्से, जिनके चलते इतने मिथ्स बनते चले गए और लोगों में क्यूरियोसिटी जगी, जिससे लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए जानते हैं कि फैक्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। लैरी कुशे, जो कि अमेरिकन ऑथर एंड रिसर्चर हैं, उन्होंने बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में डीप रिसर्च की और उन्होंने देखा कि ट्रायंगल के बारे में कई कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं या गलत हैं। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बाहर भी शिप्स गायब होने की घटनाएं हुई हैं। एक टीवी शो ने इसका पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने लॉर्ड्स ऑफ लंदन नाम के जहाजों का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी से पूछा कि क्या बहुत सारे जहाज बर्म्यूडा में डूबे हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोस्ट गार्ड क्रू समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर नजर रखता है और उनका कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कहानियां सच नहीं है। जैसा कि एक कहानी में बताया गया था कि VS फॉग नाम का एक जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल में अचानक गायब हो गया था, लेकिन कोस्ट गार्ड क्रू को असल में जहाज का मलबा और कुछ बॉडीज भी मिले थे। सिर्फ एक अजीब बात ये थी कि उस शिप का कैप्टन कहानी में गायब हो गया था, लेकिन रियलिटी में कैप्टन जगह पर ही मिला था जहां उसे होना चाहिए था, ना कि जैसा कि कहानी में बताया गया था कि कैप्टन और सब क्रू गायब है। 1976 में नोवा नाम के एक साइंस प्रोग्राम में इस बारे में बताया कि असल में जहाज और प्लेन गायब तो होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी में बताया जाता है। बल्कि दुनिया में बर्म्यूडा ट्रायंगल के अलावा कुछ और इलाके भी हैं जो जहाजों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। 2013 में किए गए एक रिसर्च में समुद्र के 10 सबसे खतरनाक इलाके बताए गए जो जहाजों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हैं।
लेकिन स्ट्रेंजली उसमें बर्म्यूडा ट्रायंगल टॉप 10 में भी नहीं था। दूसरी बात, यहाँ अचानक से ही तूफान आ सकते हैं। पहले के समय में जहाजों को पता ही नहीं चलता था कि कब तूफान आ रहा है और ये तूफान में फंसकर डूब जाते थे। बर्म्यूडा ट्रायंगल में अक्सर मौसम के अजीब पैटर्न होते हैं। तेज और बहुत ही खतरनाक तूफान इन ट्रेजेडी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि कंपास अक्सर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की बजाय सीधे अर्थ की ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है। ये बर्म्यूडा ट्रायंगल में प्लेन और शिप्स को कंफ्यूज कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मैग्नेटिक फोर्स विमानों और जहाजों के नियंत्रण और रेडियो को डिस्कनेक्ट कर सकता है, जिससे ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या डूब सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ खोया हुआ शहर अटलांटिस छुपा है, जो एलियंस का है। यहाँ तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पानी के नीचे एक सड़क है जो अटलांटिस की बनाई हुई है, और कुछ का तो मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। शिप्स और प्लेन स्टोर में समा जाते हैं। कुछ कहानियों में बताया गया है कि जहाज के कंपास यहाँ काम नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा किसी भी बड़े समुद्री एरिया में हो सकता है और ये कोई जादू नहीं है। एक्चुअली बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास अचानक भयंकर तूफान आ सकते हैं जो जहाजों के लिए खतरनाक होते हैं। ये तो सिर्फ कुछ कहानियां हैं जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में बताई जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाजों के गायब होने के पीछे कोई और ही कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कहानियां सुनने में एक्साइटिंग और अच्छी, बहुत अच्छी जरूर लग सकती है। अब जो बात हुई थी फ्लाइट 19 के मिसिंग होने की, तो जो दूसरा प्लेन उसे ढूंढने निकला था उसका पिछला रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि ज्यादा फ्यूल के साथ ज्यादा लोड देने पे लीकेज के कारण विमान में विस्फोट हो गया, और इन दोनों प्लेन्स के वैनिश होने के कारण ये बर्म्यूडा ट्रायंगल की बड़ी मिस्ट्री में शामिल हो गया। कुछ साइंटिस्ट ने इस एरिया में मीथेन गैस का बहुत बड़ा सोर्स होने का दावा किया है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब समुद्र में मीथेन गैस का विस्फोट होता है तब बहुत बड़े बड़े बबल्स बनते हैं जो वाटर डेंसिटी को कम कर देते हैं, जो कि बड़े से बड़े शिप को डुबाने के लिए काफी है, क्योंकि वाटर डेंसिटी कम होने पर शिप उसमें फ्लोट नहीं कर पाएगा और वो डूब जाएगा। इस इलाके में आसमान में बनने वाले बादलों का शेप अलग है, उनका पैटर्न और शेप हेक्सागोनल है। ये एक तरह से एयर बॉम्ब का काम करते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बादल रडार इमेजेस में दिखाई देते हैं जिनका साइज 20 से 50 माइल तक होता है। इनमें बहुत ही ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है जो कि प्लेन्स और शिप्स के इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे उनके इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, या फिर ये एयर बॉम्ब ब्लास्ट होकर शिप को डुबाने का काम करते होंगे। हालांकि अभी तक इस बात के पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि ये बादल वाकई में जहाजों और हवाई जहाजों के गुम होने का कारण है। एक तरह से देखा जाए तो पहले के शिप्स पुराने नेविगेशन टेक्निक्स को फॉलो किया करते थे, जैसा कि तारों को देख के अंदाजा लगाना, मैग्नेटिक कंपास को देख के डायरेक्शन का पता लगाना। उन्हें वेदर की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भटक जाएं या उनके साथ कोई हादसा हो जाए। लेकिन आज के टाइम में नेविगेशन के लिए एडवांस इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि GPS सैटेलाइट्स नेविगेशन। इनकी वजह से वो एक्यूरेसी से नेविगेट कर पाते हैं और ऑन टाइम अपडेट इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। जैसे कि अब हमें देखने मिलता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी कहानियां सुनने नहीं मिलती। अगर आप अभी करंट ऑनलाइन चेक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स इस रूट से डेली गुजरते हैं, लेकिन अगर ये इतना ही डेंजरस एरिया होता तो इस रूट को गवर्नमेंट कब का बैन कर देती या अवॉइड करने की एडवाइजरी दे चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से ये एक बहुत ही बिजी रूट है, तो इससे पता चलता है कि ये एक रियलिटी से ज्यादा फिक्शनल स्टोरी साउंड करती है, जिसका कहीं कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता, सिर्फ लोगों द्वारा वर्बली सुनाई गई कुछ कहानियां हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है हमें जरूर बताएं, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें, हम उस पे वीडियो जरूर बना देंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।